दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी। साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों, यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था एक था जॉकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को, यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पर भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पर आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था, जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर। और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में, तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के डर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है। एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है। इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए। इसलिए खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे है तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर
उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है, जो यश कुमार की पत्नी है, वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा। दंगल प्ले ऐप पे जाके आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था, जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टार कास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका
एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है, और फीस भाई की होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जोकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वो प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी ये नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है। वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मोहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS अफसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले ऐप पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पर भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पर आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था
जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में, तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ।
जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी। साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों, यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेन रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर। और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी फोटोग्राफर के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जोकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में
पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपए का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपया आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है, जो यश कुमार की पत्नी है, वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था एकता जौकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को, यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था, जो एंटरटेन रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में, तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है,
इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है, और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बता दे है कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वो प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी ये नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए। इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। पर फिर भी वो रुकते नहीं है, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा। दंगल प्ले ऐप पे जाके आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जॉकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहां पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पर। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले ऐप पर जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है वंशुमान
और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में, तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है। एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए। इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी
इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जॉकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेन रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा जरूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वे लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था, जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी फोटोग्राफर के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है।
और वह लड़का फिर एक जोकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मोहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में ये मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पर। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पर जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा,
अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है। एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे।
तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जॉकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पर भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पर आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टार कास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के डर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे है तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतज़ाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है,
जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं, और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। विरेश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एकता जौकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पर। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वे लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है
उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है। वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जॉकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है।
चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक हैं, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों, इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें।
वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेन रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी कास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बता दे कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS अफसर बन जाता है
और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। विरियस कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है, और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनके वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा। दंगल प्ले ऐप पे जाके आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पर। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले ऐप पर जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पर भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पर आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जोकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी।
दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है। वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनके वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है,
और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की, तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वे लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मोहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो
तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले है वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था, जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी फोटोग्राफर के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक हैं, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो
और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ। और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है। और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में ये मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेन रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर कर्तव्य करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे है तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपए तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मोहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपए का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा। दंगल प्ले ऐप पे जाके आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में ये मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एकता जौकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पर। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पर जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले ऐप पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है,
एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वो लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए। इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा दंगल प्ले ऐप पे जाके, आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में यह मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जॉकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी।
सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज करने वाले हैं जो दंगल प्ले वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेन रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सभी इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी और ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वह लड़का फिर एक जॉकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गांव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं। और अधिक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मुहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपये का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये आम बात होगी पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS अफसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं
तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग है और मैं नहीं जानता हूँ। और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है। और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनके वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा। दंगल प्ले ऐप पे जाके आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की भोजपुरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाएंगी, साथ ही में ये मूवी देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन मूवी का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने को मिलेंगी, क्या मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सकें। वैसे दोस्तों यश कुमार की मूवीज़ काफ़ी हटके होती है और वो हर बार कुछ नया ही ट्राई करते हैं। उनकी मूवीज़ सबसे कमाल की होती है और अनोखी भी रहती है। तो आज इन्हीं की हमें कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था एक था जोकर। बात करते हैं कि मूवी को हिंदी में देखना है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉरी भोजपुरी भाषा में। तो अगर आप इसे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस मूवी को 29 सितंबर को यानी कि आज शाम को रिलीज़ करने वाले हैं जो दंगल प्ले ऐप वहाँ पे। तो आप इस मूवी को आज शाम को दंगल प्ले पे जाके देख पाएंगे और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको भोजपुरी सिनेमा पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो मूवी को डे पर भी देख सकते हैं या फिर दंगल प्ले पे भी देख सकते हैं, पर जो दंगल प्ले ऐप है वहाँ पे आपको जो है वो प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी ज़रूरी है, फिर आप लोग दंगल पे से भी देख सकते हैं। और फ्री में देखना चाहते हो तो आपके पास जरिया है टीवी का, आप टीवी से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का यूट्यूब पर ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को रिलीज़ हुआ था जो एंटरटेनर रंगीला है उनके यूट्यूब चैनल पर, और आप में से बहुत लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस मूवी के अंदर आपको जो है अंशुमान और यश कुमार देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। अगर बात करें मूवी के सभी स्टारकास्ट के बारे में तो यहाँ पर यश कुमार, स्मृति सिन्हा, अमित शुक्ला और विनोद मिश्रा लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम मूवी में किया हुआ है। चलिए मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या मूवी की स्टोरी है, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये मूवी का जो ट्रेलर है वो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और रही बात रिव्यू की तो कहानी बहुत ही अच्छी है, एक्टिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है यश कुमार ने और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं लेकिन जो स्मृति है इन्होंने शायद पहली बार ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें वो एकदम गरीब के और दुखियादारी औरत के रोल में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बूढ़ी दिखती रहती है। फिल्म के गाने भी ठीक है, तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है और हम सब इस मूवी को 5 में से 5 रेटिंग देना चाहेंगे। अगर आगे बात करें कहानी के बारे में तो मूवी की जो कहानी वो ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जॉकर रहते हैं जो अपने पीठ पर कोड़े मारकर करतब करते रहते हैं और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वह अपने बच्चे के लिए एक नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ से जो मूवी का असली प्लॉट स्टार्ट होता है, इसके बाद उस लड़के का उस दुनिया के अंदर कोई होता ही नहीं है और फीस बाकी होने की वजह से स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। फिर वो लड़का स्कूल छोड़ देता है और वे लड़का फिर एक जोकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालता है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो पास के गाँव में एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी गरीब होती है, उससे वह प्यार करता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। असली कहानी यह नहीं थी, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है जो आपको हिला कर रख देंगी। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने गरीबी देखी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी गरीब मरे या फिर गरीबी वाली लाइफ जिए, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं और उनके बेटे को खूब पढ़ाते हैं।
और आज एक पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका जो बेटा है 1 लाख रुपये मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये बहुत आम बात है कि अगर आगे पढ़ना है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे है तो आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। अब उनके पास 1 लाख रुपये तो होते नहीं है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या नहीं, वो तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। फिर होता यूँ है कि जो यश कुमार है वो सारा मोहतम करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया है और उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने वाला था और 1 लाख रुपए का इंतजाम भी उन्हें करना था, इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए आम बात होगी, पर जो लोग गरीब हैं उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की है और ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए वो फिर से मेहनत करते हैं और उस दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो जाती है। यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्या उनका बेटा तो बड़े लोगों के साथ मिल गया होता है और वे अपनी माता की जो और जो अपनी इंगेजमेंट है वो कर रहा होता है। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उसे कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों बता रहे हैं, तो वो लड़का मना कर देता है कि ये पागल लोग हैं और मैं नहीं जानता हूँ, और फिर गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लेते हैं और उनके चिता में भी जला देते हैं। फिर अचानक से जो स्मृति सिन्हा है जो यश कुमार की पत्नी है वो गिर जाती है और जब वे अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा होगा वो लगा देगा, बस आप उनकी मदद कर लीजिए। अब वो कैसे बचाते हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका जो बेटा है उनका दिल पिघलेगा नहीं, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है दोस्तों। इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मूवी को ज़रूर देखिएगा। दंगल प्ले ऐप पे जाके आपको ये मूवी अवश्य पसंद ज़रूर आएंगी।